ये जगह बेहद खतरनाक है। पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। दोस्तों देखिए यही चट्टानेश्वर पिकनिक स्पॉट है और लोग यहां पर पिकनिक मनाने आते हैं और आनंद लेते हैं। और यहां पर एक झरना चल रहा है, आप देख सकते हैं, जो पब्लिक यहां पर नीचे नहा रही है उसके। दोस्तों देखिए ये दूधिया झरना है और लोग इसके नीचे पिकनिक मनाने का और नहाने का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं महिला बच्चे सहित पुरुष भी यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके का एंजॉय ले रहे हैं ये। कैमरे की हमने देखना भाई। आप चट्टानेश्वर पिकनिक स्पॉट पे किस तरह का आनंद ले रहे हैं पिकनिक मनाने का? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने के बाद में काफी संख्या में यहाँ पर पब्लिक आई हुई है। यहाँ पर बच्चे आदमी लड़कियाँ सब आए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय हो रहा है यहाँ पर। और आज छुट्टी का दिन था, 15 अगस्त का दिन था, काफ़ी सारी पब्लिक है यहाँ पर और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आने के बाद। मौसम भी एक नंबर हो रहा है और जो पानी के छींटे पड़ रहे हैं इसमें तो और ज़्यादा आनंद आ रहा है। किस तरह के व्यंजन बनाए यहाँ पर खाने के लिए? खाने का क्या है, पिकनिक वगैरह पे तो पता, वैसे नॉन वेज वगैरह जल्दी बन जाता है तो हमने नॉन वेज वगैरह ही बनाया है। बाकी काफ़ी सारी पब्लिक आई हुई है तो सब अपने फैमिली के हिसाब से आए थे, फैमिली के अकॉर्डिंग सब बना ही रहे हैं। और कोटा के सबसे नियरेस्ट है तो सबसे बेस्ट जगह, इससे अच्छी और कौन ही से। आप कहाँ से आए हो यहाँ पर? मैं मंडाना से हूँ, मेरे नियर बाई पड़ता है। बाकी देखा जाए तो कोटा से 10-15 किलोमीटर का एरिया में है और काफ़ी अच्छा व्यू आता है, एक बार आप देख जाओ। दोस्तों देखिए लोग पिकनिक मनाने का आनंद ले रहे हैं चट्टानेश्वर पिकनिक स्पॉट स्थल पर। Yeah.
हैं।